अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे किस तरह हम ईमेल मार्केटिंग कर सकते हैं या ईमेल टेम्पलेट हम रेडी करेंगे कि हमारे क्लाइंट्स का जो रिस्पांस रेट है या रिस्पांस रेशियो है वो कैसे बढ़ सकता है, ताकि हमें ज्यादा से ज्यादा क्लाइंट्स ईमेल पे रिस्पांस कर सकें और हम उन पे गेस्ट पोस्टिंग सेल आउट कर सकें। इसके लिए कुछ पॉइंट्स हैं जो आज हम अंडरस्टैंड करेंगे, बड़े मेन पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से आपके क्लाइंट्स आपको ईमेल पे रिस्पांस करना स्टार्ट कर देंगे। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो ईमेल मार्केटिंग करते हुए गेस्ट पोस्टर को माइंड में रखनी चाहिए ताकि उसको ईमेल पे रिस्पांस आ सके, लेकिन वो सारी चीजें ऑलरेडी मैंने वीडियो में शेयर कर दी हैं। उस वीडियो का लिंक मैं कमेंट में आपके साथ शेयर कर दूंगा। आज जो बेसिकली मैंने आपके साथ शेयर करना था वो थोड़ी सी एडवांस चीज थी, जो बेसिकली सेल्स एंड मार्केटिंग की चीज है वो आपके साथ शेयर करनी है। कंप्लीट वीडियो देखिए ताकि इस चीज को आप अंडरस्टैंड कर सकें। पहली बात ये कि आपका ईमेल हमेशा प्रोफेशनल होना चाहिए। आप कोई भी ईमेल टेम्पलेट कॉपी पेस्ट ना करें किसी से, ईमेल अपना राइट करें और इस ईमेल में एक चीज आप जरूर मेंशन करें, क्लाइंट का नेम या क्लाइंट की वेबसाइट का नेम। जब भी आप किसी को ईमेल करते हैं उस पे उसका नाम या उसकी वेबसाइट का नाम मेंशन करते हैं तो वो हाई रिस्पांस रेट उसका बढ़ जाता है, तो वो जरूर आपको ईमेल करेगा कि यार ये किसी ने डायरेक्टली मुझे ईमेल किया तो मैं इस पर रिस्पांस जरूर करूं, उसको यस करूं या नो करूं, कुछ ना कुछ ईमेल पे रिस्पांस जरूर करूं। दूसरी बात ये, कभी भी आप क्लाइंट पे प्रोडक्ट या सर्विस सेल आउट ना करो। बहुत सारे गेस्ट पोस्टर्स ऐसे हैं जो कि क्लाइंट को डायरेक्टली ईमेल करते हैं और बताते हैं हमारे पास ये गेस्ट पोस्टिंग साइट्स है या गेस्ट पोस्टिंग साइट्स की लिस्ट है, ये आप देख लो और ये परचेस कर लो, ये इतने इतने डॉलर में है, आप वहां पे प्राइस भी मेंशन कर लेते हो। ये टोटली रॉन्ग वे है, ये एक अच्छा तरीका नहीं है ईमेल मार्केटिंग करने का। जब भी आप ईमेल करो तो आप उसको रिजल्ट शो करो। आप किसी कस्टमर को या किसी क्लाइंट को ईमेल करो, उनको बताओ यार मैंने यहां से बैकलिंक परचेस किया, गेस्ट पोस्टिंग परचेस की और मेरी इस वेबसाइट को फायदा हुआ है। आप ये देख लो इस वेबसाइट के इतना ट्रैफिक इंक्रीज हो गया, इस वेबसाइट की इतनी अथॉरिटी इंक्रीज हो गई है, कहां से हुई है, कैसे हुई है, इस गेस्ट पोस्टिंग वेबसाइट से मैंने बैकलिंक किया। जब आप उसको रिजल्ट शो करोगे तो ऑटोमेटिकली वो आपसे परचेस करेगा या वो आपको इंटरेस्ट लेगा कि यार ये किस तरह आपने इंक्रीज किया ट्रैफिक, किस तरह आप लीड जनरेट कर रहे हो, आपकी अथॉरिटी कैसे इंक्रीज हुई है, आपने ये गेस्ट पोस्टिंग कहां से ली है, तो जरूर वो आपको रिस्पॉन्स करेगा, बोलेगा मुझे भी बताएं कहां से आपने गेस्ट पोस्टिंग ली है, हम भी लेंगे। इसकी दूसरी एग्जांपल मैं आपको ये बताऊं, फॉर एग्जांपल आपके पास एक लैपटॉप है, वो आप मार्केट में जाके सेल आउट करते हो कि ये मेरा लैपटॉप है और वो इतनी प्राइस में सेल आउट कर रहा हूं, तो कोई भी आपसे परचेज नहीं करेगा। लेकिन इसी के बरक्स अगर आप मार्केट में जाके ये बताते हो कि ये मेरा लैपटॉप है, मैं सेल आउट करना चाह रहा हूं, लेकिन इस लैपटॉप की खास बात यह है कि इसमें मैंने वीडियो एडिटिंग बहुत ज्यादा की है, मेरे यूट्यूब चैनल काफी ग्रो कर रहे हैं और वो सारी एडिटिंग मैंने इसी लैपटॉप से की है, इस लैपटॉप में वीडियो एडिटिंग भी करता हूं और इसके अलावा मैं मार्केटिंग का काम भी करता हूं, मैं ऑफिस का काम भी करता हूं और इसकी स्पीड बहुत अच्छी है, कभी ये हैंग नहीं हुआ, कभी स्टॉप नहीं हुआ, इसमें कोई एरर नहीं आया, इवन इसकी एसएसडी बहुत अच्छी है, इसमें कार्ड भी डले हुए हैं। जब आप इस तरह की बातें करोगे उसके आगे रिजल्ट शो करोगे तो ऑटोमेटिकली परचेजर बोलेगा यार मुझे चेक कराओ मेरे लैपटॉप लेना है, इसमें क्या स्पेक्स हैं, क्या इसकी डिटेल्स हैं, तो वो जरूर आपसे इंटरेस्ट लेगा और आपसे लैपटॉप परचेज करेगा। ये चीज आपने प्ले करनी होती है, हमेशा रिजल्ट शो करें तो आपको रिजल्ट्स की बेस पे रिस्पांस आता है, लोग आप में इंटरेस्ट शो करते हैं। इसको प्रैक्टिकली जाके स्क्रीन पे करते हैं कि ये किस तरह हम ईमेल राइट करेंगे, कैसा ईमेल होगा, उसमें किस तरह हम रिजल्ट शो करेंगे कि क्लाइंट उसको पढ़ के हमें रिस्पॉन्स जरूर करेगा। तो स्क्रीन पे चलते हैं, इसको प्ले करते हैं। जी फ्रेंड्स, तो चले हम स्क्रीन पे आ गए हैं। बेसिकली आज हमने डिस्कस करना है किस तरह हम ईमेल मार्केटिंग करें कि हमें रिस्पांस आ सके क्लाइंट्स का और हम उनके साथ डील कर सकें या हमें ऑर्डर्स आ सकें। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मेरी डिफरेंट वीडियोज़ को वॉच कीजिएगा जो कि रिलेटेड हैं गेस्ट पोस्टिंग के GBOB के कोर्स के। तो सबसे पहले मैं आपको एक आइडिया देता हूँ कि हमने ईमेल करना कैसे है या ईमेल राइटिंग कैसे करनी है कि जिससे हमें रिस्पांस रेशियो हमारा इंक्रीज़ हो सके। उसके लिए सबसे पहले मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। हम जाते हैं टेक बुलियन पे, ये गेस्ट पोस्टिंग वेबसाइट है, हर बंदे के पास है और इस तरह की डिफरेंट गेस्ट पोस्टिंग वेबसाइट्स आपके पास होंगी। हमने बेसिकली कस्टमर को, क्लाइंट को रिजल्ट शो करने हैं जिससे इंप्रेस होके वो हमें ऑर्डर करे या हमसे कॉन्टैक्ट करे, बेसिकली हमने ये करना है। अब फॉर एग्जांपल इस वेबसाइट में मैं जाता हूँ और यहाँ पे डिफरेंट कैटेगरीज हैं, यहाँ पे ऑटोमोटिव है, लाइक गैजेट्स एंड सॉफ्टवेयर, सिक्योरिटी है, यहाँ पे हेल्थ पे मैं चला जाता हूँ क्योंकि मोस्टली लोग हेल्थ को भी बड़ा काम कर रहे हैं, हेल्थ की बड़ी डिमांड है। अब हेल्थ पे मैं आ जाता हूँ, ये डिफरेंट गेस्ट पोस्टिंग साइट्स हैं, सॉरी गेस्ट पोस्टिंग की हुई हैं डिफरेंट लोगों ने। अब यहाँ पे आप डिफरेंट चेक कर लो, कोई भी आपको एक लाइक इसमें पोस्ट पसंद आ जाए। फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं कोई चूज़ करता हूँ लाइक ये एक्सप्लोरिंग बेनिफिट्स ऑफ मसाज चेयर्स। अब ये क्यों मैंने चूज़ किया, उसकी रीज़न ये है मसाज चेयर बेसिकली एफिलिएट का कीवर्ड है, ठीक है। तो इस पे ये है कि काफ़ी हाई डिमांड है, एफिलिएट मार्केटिंग करने वाले लोग अमेज़ॉन पे या जो चेयर से रिलेटेड जिनकी कंपनीज़ हैं वो यहाँ पे गेस्ट पोस्टिंग करवाती हैं और वो उनको भी आप लाइक टारगेट कर सकते हो। एग्जांपल मैंने दिए, अब किसी बंदे ने यहाँ पे ये गेस्ट पोस्टिंग करवाई हुई है, ठीक है, और यहाँ इसका लिंक भी ऐड है। फॉर एग्जांपल इसको मैं ओपन करता हूँ। अब ये एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी है जिसने इस वेबसाइट में गेस्ट पोस्टिंग करवाई है, किसी बंदे से करवाई है, आप जैसा ही कोई बंदा होगा जिसने इसने गेस्ट पोस्टिंग की है
और उसने आगे लिंक दे दिया इस वेबसाइट का, इस कंपनी का, क्योंकि इस कंपनी की जो एसईओ एजेंसी है, एसईओ का एक्सपर्ट है, या कोई भी बंदा जो इस कंपनी की एसईओ कर रहा है, उसने गेस्ट पोस्टिंग परचेज की है आपसे या आपके किसी बंदे से, किसी रिसेलर से भी कर सकते हैं, किसी से भी। अब हमने क्या करना है, हमने एक क्लाइंट को मैसेज करना है, किसी भी क्लाइंट को अप्रोच करना है, ठीक है, उसको ये बताना है कि हम गेस्ट पोस्टिंग सेल आउट कर रहे हैं इस वेबसाइट पे, टेक बुलियन पे। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इस वेबसाइट से इस बंदे ने बैकलिंक लिया था, गेस्ट पोस्टिंग ली थी, और उसकी ट्रैफिक बढ़ गई है, बड़ा अच्छा रिजल्ट उसको मिला है यहाँ से गेस्ट पोस्टिंग लेके। किस तरह, फॉर एग्जांपल इसको मैं कॉपी करता हूँ और ये सब ट्रैफिक चेकर में आ जाता हूँ, यहाँ से हमें ट्रैफिक का आइडिया हो जाएगा। और ये जस्ट अ मिनट, इसने हमें बता दिया कि 5.6K ट्रैफिक है। अब ये ट्रैफिक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ट्रैफिक है एफिलिएट कीवर्ड्स के लिए या ई कॉमर्स कीवर्ड्स के लिए, ठीक है, और ये मसाज चेयर डायरेक्टली टारगेट कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी ट्रैफिक है, बेसिकली बहुत अच्छी ट्रैफिक है। अब हमने क्या करना है, हमने क्लाइंट को मैसेज करना है, उसको बताना है कि अगर आप इस गेस्ट पोस्टिंग वेबसाइट से बैकलिंक लोगे तो आपको इतनी ट्रैफिक तक मिल सकती है, इस बंदे को भी इतना फ़ायदा हुआ है, आपको भी हो सकता है। अब ये ईमेल लिखना कैसे है, उसके लिए चैट जीपीटी की मैंने हेल्प ली थी, मैं आपको चैट जीपीटी भी लेके जाता हूँ। मैंने चैट जीपीटी को पहले सिंपल सी ये हाय वेबसाइट ऑनर जो भी है, माय नेम इज़ मुशाहिद, मैंने अपना नाम दे के बोला और इसी वेबसाइट की मैंने बोला इतनी ट्रैफिक है और ये सेकंड पोजीशन है, ये वो सारी चीज़ें बता के मैंने कहा इसको रीराइट कर दो इमोजीज के साथ, थोड़ा सा आई कैचिंग हो जाएगा, ठीक है। उसने मुझे ये राइट करके दे दिया, ठीक है, हाय देयर माय नेम इज़ ब्ला 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 जो भी है, ठीक है, उसने ये सारा मुझे राइट करके दे दिया। अब अगर हम ईमेल पे जाते हैं, अब अंडरस्टैंड करें इस चीज़ को, ईमेल पे हम आ गए, अब ईमेल पे मैंने टेक बुलियन को मेंशन किया हुआ है और रिजल्ट्स को मैंने मेंशन किया हुआ है। सबसे मेन चीज़ अगर आप देखें कि मैंने स्ट्रांगली ये मेंशन किया हुआ है कि ये मेरे रिजल्ट हैं, आप देखो आपको भी ऐसे मिल सकते हैं, ठीक है। मैंने क्या बोला इसको, आई हैव गॉट सम गुड एक्साइटिंग न्यूज़ टू शेयर विद यू आफ्टर सिक्योरिंग वन गेस्ट पोस्टिंग लिंक फ्रॉम टेक बुलियन प्लस सम अदर्स, कि मैंने एक बैकलिंक इस वेबसाइट से लिया, कुछ और बैकलिंक लिए फॉर अवर वेबसाइट, हमारी वेबसाइट के लिए, और द रिजल्ट वर माइंड ब्लोइंग, हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं, ठीक है, हमें इतनी ट्रैफिक मिल रही है, हमारी सेकंड पोजीशन गूगल में आ गई है और हमें सक्सेस मिल रही है और हमें डेली लीड्स मिल रही हैं। गेस व्हाट, आई एम ऑफरिंग यू सम सेम अपॉर्चुनिटी, मैं भी आपको सेम अपॉर्चुनिटी ऑफर कर रहा हूँ ताकि आपकी वेबसाइट भी बूस्ट कर सके विद इन नो टाइम, ठीक है, ये बहुत ही जल्दी, बहुत जल्द आपकी भी वेबसाइट बूस्ट कर जाएगी अगर आप ये गेस्ट पोस्टिंग परचेज करोगे। अब ये एक आइडिया है, इस तरह का ईमेल जब आप किसी को राइट करके देंगे, किसी को ईमेल करेंगे, और ऊपर मैंने सब्जेक्ट भी लिखे सीमा वेबसाइट ट्रैफिक सोर आफ्टर दीज गेस्ट पोस्टिंग, ठीक है, मतलब मेरी वेबसाइट की जो ट्रैफिक है इतनी ग्रो कर गई है इस गेस्ट पोस्टिंग के परचेज करने के बाद। अब ये थोड़ा सा मैं रिजल्ट शो कर रहा हूँ बेसिकली, ठीक है, कस्टमर को, और जब मैं ईमेल उसको करूँगा तो ईमेल करने के बाद वो रिस्पांस रेट उसका बड़ा अच्छा होगा कि वो बोले कि यार ये किस तरह आपने किया, आप मुझे भी बताओ। प्लस इसमें आप एक एडिशन कर सकते हो, वो एडिशन क्या है कि मैं दोबारा गया, मैंने क्या किया इस वेबसाइट का लिया स्क्रीनशॉट, यहाँ से कट करके ये स्क्रीनशॉट ले लिया। अब यही स्क्रीनशॉट मैं एग्जाम्पल के तौर पे मैं ईमेल पे यहाँ पे अपलोड कर दूंगा, ठीक है, यहाँ पे अटैच फाइल का ऑप्शन आता है, यहाँ पे ये अटैच फाइल, आप यहाँ पे फाइल अटैच कर सकते हो। मैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने सिंपली कॉपी पेस्ट कर दिया। अब जब क्लाइंट को आप ईमेल करोगे, साथ आप उसको ये बताओगे ये ट्रैफिक स्टैट्स हैं मेरे इस वेबसाइट के और मैंने यहाँ से बैकलिंक लिया था, आप भी लेना चाह रहे हो, तो इससे थोड़ा सा सक्सेस रेशियो इंक्रीज़ होगी। वो बंदा आपसे पूछेगा कि आपकी ट्रैफिक कैसे इंक्रीज़ हुई है, मुझे थोड़ा सा गाइड करें, क्या पता वो आपको एसईओ का प्रोजेक्ट दे दे, क्या पता वो आपको बोले कि 2-3 गेस्ट पोस्टिंग मुझे दे दो। तो इस तरह आप उनको ईमेल करके उनको कन्विंस कर सकते हो, ये एक सेल्स टेक्निक है रिजल्ट शो करके। आप यहाँ पे अगर सिंपल आप ईमेल कर दो कि हाय माय नेम इज़ दिस दिस एंड मैं ये गेस्ट पोस्टिंग सेल आउट कर रहा हूँ, इतने डॉलर की है और ये वो, इस तरह आप करके छोड़ दोगे तो वो सीधा सीधा या स्पैम ही जाएगा या वो आपको इग्नोर कर देगा, ठीक है। तो ये एक प्रॉपर वे है, थोड़ा सा डिफरेंट वे है कि आप इसको ईमेल करते हो, कम से कम उसको रिजल्ट शो करो, वो आपके रिजल्ट्स देके खुश होगा और आपको ईमेल बैक करेगा। तो ये था आज का एक आइडिया जो आपके साथ मैंने शेयर करना था कि किस तरह आप किसी को लाइक ईमेल करो तो आपको कम से कम रिस्पॉन्स भी है, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई भी टॉपिक हो, क्वेश्चन हो जो आप करवाना चाह रहे हो या आपके माइंड में हो या जहाँ से आपको इशू आ रहा हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, उस पर भी मैं डिटेल में वीडियोज़ बनाऊँगा। गेस्ट पोस्टिंग की वीडियोस बहुत ही शॉर्ट रह गई हैं, टॉपिक्स बहुत कम रह गए हैं, तो वो मैं क्लियर करके नेक्स्ट हम लोग ब्लॉगिंग की तरफ जाएंगे।
तो तब तक ये है कि गेस्ट पोस्टिंग से रिलेटेड जितनी क्यूरीज हैं वो मैं क्लियर कर रहा हूँ, ताकि मेरी प्रीवियस वीडियो भी अगर आपने वॉच की हो, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट तमाम जो क्वेश्चंस थे हर चीज़ मैंने क्लियर कर दी है गेस्ट पोस्टिंग की ट्यूटोरियल्स में। उसके अलावा मैंने निश ब्लॉग में भी काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन की है। तो आज के लिए इतना काफ़ी था, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इंशाल्लाह। आज के लिए अल्लाह हाफिज़।